सभी को नमस्कार, मेरा नाम है मोनू झा, आप देख रहे हैं मोनू के ब्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हम अभी हैं राजस्थान के दौसा ज़िले में और बालाजी महाराज के दर्शन हमने कर लिए हैं और माता अंजनी के भी दर्शन कर लिए और एक मंदिर और था बड़े हनुमान जी, वहाँ के भी दर्शन कर लिए। अब रह गए तीन पहाड़ मंदिर, तो चलिए हम दर्शन करते हैं और आप सभी लोगों को दर्शन करवाते हैं। तो हम जा रहे हैं तीन पहाड़ मंदिर पर और आप लोग इस वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम आप लोगों को तीन पहाड़ मंदिर के दर्शन कराते हैं और हम अभी जा रहे हैं। बहुत ऊंचा है और बहुत सारी सीढ़ियां बनी हुई हैं और ये सीन अगर आप देख रहे हो, ये हनुमान जी हैं, बड़े हनुमान जी, इनका भी हमने वीडियो बनाया था, पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। और यहाँ से कुछ सीन ऐसा दिख रहा है और बालाजी का मतलब जो वहाँ पर स्थान है, जो यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह कुछ ऐसी दिख रही हमारे, ये जो आ रहे हैं ना, हम इधर से आ रहे हो, अभी सुबह है ना, तो इस वजह से काफ़ी शांति है। हम सुबह लगभग 8 बज चुके हैं अभी हम आ रहे हैं यहाँ से। और यहाँ से आप देखोगे तो सीन कुछ ऐसा बना हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है और एक एक घर, एक एक बिल्डिंग दिख रही है। तीन पहाड़ वाले जो हनुमान जी हैं वो भी आपको दिख रहे होंगे, इनका भी हमने वीडियो बनाया है, अगर आपको देखना है तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं ऊपर। और ये देखिए अब भीड़ थोड़ी ज़्यादा हो गई क्योंकि हम यहाँ पर रुक गए थे। और ये देखिए गधा जो है ये पानी ले जा रहा है, मिनरल वाटर जो है ऊपर जा रही है, ऊपर शायद हाँ पानी की व्यवस्था नहीं होगी या फिर ये दुकान वाले होंगे तो वो लोग ले जा रहे हैं। और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के नज़ारा है यहाँ पे। क्या राजस्थानी सूट वूट पहना के फ़ोटोग्राफी होती है, अगर आपको करवानी है तो हाफ़ जो है वो 30 रुपये में और फुल है 100 रुपये में अगर आपको करवानी है। और आपको ड्रेस पहना देंगे, ड्रेस पहना के बाद आपको, अगर आप ऊँट पे बैठना ऊँट पे बैठ सकते हो। और काफ़ी अच्छी मतलब जो लोकेशन पीछे बैनर लगाए हुए हैं ना वो राजस्थानी का है, तो इस हिसाब से आप फ़ोटो देखिए, कई लोग ड्रेसेस पहन रहे हैं, ज्वेलरी पहन रहे हैं, तो उसके बाद अपना फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। फुल साइज़ है 100 रुपये और हाफ साइज है वो 30 रुपये। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और ये ना हम शॉर्ट में बता रहे हैं, अगर हम डिटेल में बताएंगे ना तो बहुत ही मतलब ऊंचा मंदिर है, आप चढ़ते चढ़ते थक जाओगे। हमारा यहाँ पे पहली बार आना हो रहा इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसा कुछ बना हुआ है मंदिर और यहाँ पे रेस्ट थोड़ा ले सकते हो, यहाँ पे बैठ के नाश्ता पानी की दुकानें आपको रास्ते में मिलेंगी पूरी। और दोनों साइड तो मंदिर बने हुए, मंदिर बहुत ही ज़्यादा बने हुए, हम गिन नहीं सकते, दोनों साइड मंदिर बने हुए हैं और बहुत मंदिर बने हुए हैं। और यहाँ से मंदिर कुछ इस तरीके का दिख रहा है, जैसे आप देख सकते हो, देखिए यहाँ से मंदिर ऐसा दिख रहा है। और ये पहाड़ी है, बहुत ऊंचाई पे बना हुआ है तीन पहाड़ मंदिर जो हनुमान जी बप्पा का है। तो चलिए हम आपको दर्शन करवाते हैं। और ये यहाँ पे फ़ोटो शूट के लिए मतलब ऊँट है, घोड़ा है, जो जिस पर भी आप बैठ के फ़ोटो शूट करवाना है तो आप फ़ोटो शूट करवा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए हम आपको आगे और चल के दिखाते हैं। और ये मंदिर है, तो ये सभी लोग दर्शन करके आ रहे हैं। और अब लगभग टाइम हो गया है, 12 बज चुके हैं, क्योंकि इससे पहले हम थोड़े रुके हुए थे काली मैया के मंदिर पे, वहाँ पे क्या है सभी लोगों के वो संकट कटते हैं। तो हम जो लोग हैं ग्रुप में हैं सभी लोग, तो ग्रुप भाई ग्रुप साथ ही चल रहा है क्योंकि सब लोग नए हैं। हालांकि हमारे फैमिली से कई लोग आ चुके हैं बट हम पहली बार है इसलिए हमें थोड़ा नॉलेज नहीं है। बट हम यहाँ पे रुके थे क्योंकि वहाँ पे संकट कट रहे थे सभी लोगों के, तो महाराज जो साथ में थे उनने बोला था सभी लोग रुक जाइए और साथ में ही चलना। तो वहाँ पे सभी लोग प्रसाद वरसाद खा कर फिर अब आ रहे हैं। और खाना पीना अभी मना किया है जब तक ऊपर पूजा नहीं हो जाती, ऊपर पूजा होने के बाद आप कुछ खा सकते हो। अभी हमें ये सब दिख रहा कुछ भी खा नहीं सकते ऐसा बताया गया, इसलिए फिर वहाँ पे जो ऊपर पूजा हो जाएगी फिर उसके बाद आप खा सकते हो। बहुत अच्छा लगता है राजस्थान में, कुछ अच्छा ही लगता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहाड़ हैं और काफ़ी अच्छी ड्रेसेस वगैरह जो हैं, एक अलग ही कल्चर है, अलग ही थोड़ी संस्कृति थोड़ी अलग ही है यहाँ की। और देखिए बहुत ही ज़्यादा तादाद में भीड़ अब होने लगी, बहुत ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं और लोग उधर से आ ज़्यादा रहे हैं, जाने की संख्या भी है लेकिन उधर से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। मंदिर बहुत सुंदर है लेकिन आप अगर पहली बार आएंगे तो आप थोड़ा मतलब समझ लेना क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, बहुत सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। तो ज़्यादा नहीं है, आप चल सकते हो नॉर्मली और आ सकते हो, ऐसी कुछ ज़्यादा भी ऊंचाई नहीं है। हम तो पहली बार आए इसलिए हमें तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, अगर लोग कई बार आ चुके होंगे तो उनको नहीं लग रहा होगा। तो मंदिर हो गया स्टार्ट और यहाँ से अपना जो भगवान जी का मंदिर है यहीं से है दोनों साइड में। और
इधर साइड जो है यहाँ पर फोटो वीडियो खींचना मना है, लेकिन कोशिश करते हैं जब तक कोई मना नहीं कर देता जब तक हम वीडियो बनाते रहेंगे। और पूरी कोशिश रहेगी कि महाराज के दर्शन करवाएं, क्योंकि हमने बालाजी सरकार के भी दर्शन करवाए हैं आपको, तो तीन पहाड़ मंदिर के भी दर्शन करवाएंगे। कोशिश पूरी रहेगी और करवा के ही रहेंगे, भले फ़ोटो हो क्यों नहीं निकला अगर वीडियो नहीं बनती है तो। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहें, और हम मंदिर के बिल्कुल करीब में आ चुके हैं। ये हैं आनंद भाई हैदराबाद के, बहुत ही अच्छे मित्र हैं हमारे काफ़ी अच्छी डायरेक्शन, काफ़ी अच्छी सीख देते हैं, बहुत कुछ सीखा है हमने इनसे, बहुत ही बढ़िया इंसान है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है जैसे कि आप देख सकते हो। मंदिर ये सामने है, यही मेन मंदिर है, मुख्य मंदिर यही बना हुआ है, और बहुत ही मतलब यहाँ की मान्यता बहुत है, लाखों करोड़ों में भीड़ होती है यहाँ पे। और अभी तो मतलब जो मंदिर जो सीज़न वगैरह होता है ना, जैसे हर मंदिर का एक सीज़न होता है, कोई फेस्टिवल या फिर कोई मतलब वो मेला वगैरह लगता है, तो उस टाइम पे तो आप दर्शन करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पे अभी नॉर्मल सीज़न में इतनी भीड़ है, तो आप समझ लीजिए वहाँ पे कितनी भीड़ हो सकती है। तो मंदिर ऐसा बना हुआ है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर संकट कट रहे लोगों के, और बहुत सारी जो परेशानियाँ हैं पूजा है, और तो और यहाँ पे भी सभी लोगों की संकट कट रहे हैं। और संकट में क्या होता है कि जिस किसी को भी परेशानी होती है तो उनका सिर ऑटोमेटिक झूमने लगता है, और बाल थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, ड्रेसेस बन के थोड़ी इधर उधर हो जाती है। तो इस चक्कर में हम उनका वीडियो नहीं बना रहे, क्योंकि वो सब थोड़ा अच्छा नहीं लगता, और फिर वीडियो में वो चीज़ें आएँ तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ड्रेसेस इधर उधर हो जाती है इसलिए। तो मंदिर के हम दर्शन आपको करवा रहे हैं, ये हैं चार मुख के हनुमान जी, और ये तीन पहाड़ मंदिर के हैं, और ये बालाजी मंदिर के मतलब वहाँ से आप तीन पहाड़ ऊपर जाओगे तो ये वो वाला मंदिर है जैसे कि आप देख सकते हो। फ़ोटो वीडियो निकलना बहुत ही मतलब मुश्किल है, क्योंकि हम दोबारा गए थे तब निकल पाए, फर्स्ट बार में तो निकल नहीं पाए क्योंकि वहाँ पर पंडित जी खड़े थे, तो दोबारा में हमने निकाल पाई, बहुत ही कठिन मतलब आराम से जैसे तैसे करके मोबाइल की ब्राइटनेस कम करके हमने निकाल पाई। और इधर आप आओगे तो यहाँ पे क्या नादिया बने हुए हैं, और यहाँ पे एक ऐसी मान्यता है कि आप नादिया के कान में जो भी कह सकते हो वो आपकी मान्यता पूरी हो जाती है। तो हमने तो अपना जो भी था वो हमने कह दिया है, और आप आओगे तो आप भी अपने हिसाब से जो आपकी मान्यता है आप कह सकते हो। मंदिर के इधर आप आओगे ऐसा लगता है, मंदिर के पीछे साइड है, इसके बाद यहाँ कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ऊँचाई पर खड़े हुए हैं हम लोग, और बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे। राजस्थान की बात ही कुछ अलग है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर लगता है, पहाड़ रहते हैं ना इसलिए ऊंचा नीचा बहुत अच्छा लगता है। और आप इधर देखोगे तो ये बैक साइड है, यहाँ पे जाली वगैरह लगी हुई है, और आप अगर आपके साथ में बच्चे वगैरह हों तो आराम से आना, क्योंकि जाली के बाद फिर कुछ नहीं है, सीधा नीचे जा सकते हो आप। तो ऐसा बना हुआ है, लोग फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं, फ़ोटो वीडियो, और यहाँ पे हमने भी एक दो फ़ोटो निकलवाई हैं, तो हमने एफबी पे डाली हुई है। ये आगे साइड से है, यहाँ पे पानी पीने और बहुत लोग मना भी कर रहे थे। तो ऐसा मंदिर बना हुआ जैसे कि आप देख सकते हो, और मंदिर हमने घूम लिया, यहाँ की जो पूजा थी वो सभी लोगों ने कर ली है, और पूजा हमने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि बहुत लोग थे, लेडीज जेंट्स सभी लोग थे। हालांकि हमने वीडियो बना लिया था थोड़ा बहुत, लेकिन वो हमने फिर दिखाई नहीं, क्योंकि पूजा थोड़ी अजीब तरीके की होती है ना, सभी लोगों की, किसी पे कुछ हो रहा किसी पे कुछ हो रहा, तो ये सब ज़्यादा थोड़ी पर्सनल चीज़ें हो जाती हैं। इस चक्कर में हमने सोचा ये थोड़ा ठीक नहीं, मंदिर के बारे में जानकारी दे दी और हम कैसे आए वो एक्सपीरियंस हो गया, और हमने थोड़ा थोड़ा करके आपको बता दिया। अगर आपको कुछ लगता है कि कोई चीज़ रह गई हो या फिर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप इस वीडियो में कमेंट करें, हम आपका जवाब देंगे। और ये वीडियो कैसी लगी है तो आप हमें बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ एक चीज़ तो हाँ, जैसे आप तीन पहाड़ मंदिर पे जैसे आप आओगे तो आना सीधा है, मतलब जो मेन मंदिर है मुख्य मंदिर है जो बालाजी का, तो आप वहीं से आइएगा, और जब जाओगे ना जब नीचे जाओगे तो फिर दो पहाड़ होकर नीचे जाना पड़ता है, ऐसे यहाँ की मान्यता है और ऐसे यहाँ पर लोग बताते हैं। तो यहीं पे कुछ ऐसा ही था, और वीडियो हमने शॉर्ट में ही बताया है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो इस वजह से हमने थोड़ा शॉर्ट करके बताया है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, हम आपका जवाब दे देंगे कॉमेंट में।